नमस्कार किसान भाइयों, हमारे इस चैनल किसान क्लिनिक सेंटर में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं जो ट्रॉपिकल कंपनी का मिरोंटो इंसेक्टिसाइड आता है उसके बारे में। किसान भाइयों बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है क्लोरएंटानिलीप्रोल 20% प्लस थायोमेथिक्सम 20%, दो टेक्निकलों का कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों। अब मिरोंटो की बात करें तो यह नई पीढ़ी का दानेदार कीटनाशक है जिसमें जो स्टेम बोरर होती है उसके लिए उत्कृष्ट नियंत्रण और लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा को यह प्रदान करता है किसान भाइयों। क्योंकि जो हमारी धान की फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो स्टेम बोरर का ही होता है। जैसे ही हम अपनी धान की फसल की रोपाई करते हैं उसमें लगभग 20 से 25 दिन बाद आप इसका छिड़काव उसमें करा दो तो किसान भाइयों जो स्टेम बोरर की शिकायत आती है वो एकदम से नहीं आएगी। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसमें। डबल कॉम्बिनेशन का टेक्निकल है। इसके उपयोग की बात करें तो आप इसको किसी भी, जैसे कि धान की फसल में फर्स्ट टाइम पर जो खाद लगता है उसी टाइम पर आप इसका उसके साथ मिक्स करके आप इसका छिड़काव करा सकते हो। इसकी लगभग रिजल्ट 25 से 30 दिन के हैं, उस टाइम तक तो इसमें स्टेम बोरर की शिकायत नहीं आने वाली किसान भाइयों। और ख़ासकर इसको चावल और जो गन्ने की फसल होती है उसके लिए इसको यूज किया है। चावल की फसल में 20 से 30 दिन बाद आप इसका छिड़काव करा सकते हो। और किसान भाइयों, इसकी खुराक की बात करें तो आप इसको 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो चावल की फसल होती है उसमें किसी भी खाद के साथ मिक्स करके छिड़काव करा सकते हो। और गन्ने की बात करें तो उसमें किसान भाइयों 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका छिड़काव करा सकते हो। साथ ही इसको मक्के में भी डलवा सकते हो, उसमें भी 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका छिड़काव करा सकते हो। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। जो भी किसान भाई चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।